लोग हमसे पूछते ओए शैली, खाटू की गलियों में होके मतवाले क्यों घूमते हैं हम पूछे ये दुनिया वाले, घूमते हैं हम पूछे ये दुनिया। खाटू की गलियों में होके मतवाले, भाई साहब हम पूरा पूरा भारतवर्ष में कीर्तन करते हैं, कसम से एक ये जगह ऐसी है जहां हमें कहना नहीं पड़ता, गाओ या आप गाते हो हमें गवाते हो, या हम आपको नहीं आप हमें गवाते हो। खाटू की गलियों में होके मतवाले, खाटू की क्या ढूंढते हैं हम पूछे ये दुनिया, क्या ढूंढते हैं हम पूछे। अब बताओ कौन कौन सुनेगा भजन एक बार, दोनों हाथ उठाकर आइए भैया, हाँ तालियां बजाओ। वाले खाटू की गलियों में होके मतवा, जो घूमते हैं हम पूछ ये दुनिया वाले, घूमते हैं हम पूछ ये। अच्छा कौन कौन सुनना चाहता है क्यों घूमते हैं, तालियां बजाओ। एक देखो चौखानी धर्मशाला में ना आज तक क्या हुआ भैया, मैं बाहर से आता था भीड़ देख के वहीं से निकल जाता था, काहे पंगा लेना, लेकिन मैं हमेशा देखता था बजाने वाले यही होते थे हमेशा। ये एक बार तालियां बजाओ भैया लोगों की, हर बार इनको क्यों बुलाते हो आप, क्योंकि ये अच्छा बजाते हैं, है ना। लेकिन एक बात समझना, इन इन साजों की भूख हमको है, इन साजों की भूख हमको, लेकिन जो आपकी तालियों के साज है ना, इसकी भूख मेरे शाम को है। हाँ बजाओ, एक दो। देना खाटू की गलियों में क्यों घूमते, 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 क्यों हाँ क्यों घूमते। हम खुद को गवा कर खुद को, भैया अगर मैं झूठ नहीं कह रहा, जो कलाकार एक एक लाख डेढ़ डेढ़ लाख दो दो लाख लेते हैं, सम्मान है सबका, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम बुकिंग करते हैं, लग्जरी होटल भी करते हैं, अच्छा गाड़ी भी करते हैं, आना जाना कोई भी फूलों में लेके जाते, कभी कुछ कभी कुछ, माने जो जो इंसान इतना मान सम्मान में रहता है, लेकिन कभी आप खाटू जी ग्यारस पे देखो, इधर की गली में जाओगे कई रोमी सिंह जी घूम रहे हैं, इधर की गली में जाओगे अभी श्याम सिंह महाराज जी आकर के गए, कोई इधर कोई उधर। तो माने जो लोग बाहर जाकर बड़ा बड़ा रुतबा रखते हैं ना, हमें से
खाटू जी में देखा करो, घूमते क्यों? एक भजन इधर गाने हो जाए, एक भजन उधर गाना हो जाए। ये शाम की शक्ति है, ये इससे पता चलता है बाप तो एक ही है, सब बच्चे हैं उसके। कितना भी दुनिया में बढ़ जाओ, बाप एक ही रहने वाला है। सुनना, खाटू की गलियों में क्यों घूमते हैं, खाटू की गलियों में क्यों घूमते हैं, हम खुद को गवा कर खुद को। वो इतने बड़े बड़े कलाकार क्यों घूमते हैं, हम खुद को गवा कर खुद को, हम खुद को गवा कर उसे ढूंढते हैं, खुद को गवा कर उसे ढूंढते, हम खुद को गवा कर उसे ढूंढते हैं, खुद को गवा कर उसे ढूंढते। फिर एक समझदार बंदे ने सवाल कर लिया, बोले पापा तो मंदिर में बैठा गलियों में क्यों घूम रहे हो? समझदार बड़ी है ना दुनिया, हम ही पागल है बस। भले फिर गलियों में क्यों? अब उसको कौन बताए, बड़े पापा 2400 घंटे मंदिर में नहीं रहता है, चौखानी वाली धर्मशाला में कीर्तन चल रहा है, बाबा का भी तो बीच में मन करता होगा जरा चक्कर लगा के आऊं कैसा चल रहा है। बोलिए शाम हो गया, कभी बाबा का मन करता होगा जरा मित्र मंडल होके आता हूं कैसा कीर्तन हो रहा है मेरा। तो भैया ना जाने किस गली में कब वो लीला घुमा ले, ना जाने किस गली में लीला घुमा ले, ना जाने किस गली में कब वो लीला घुमा ले, ना जाने किस गली में कब वो इसीलिए घूमते हैं सब दुनिया, इसीलिए घूमते सब दुनिया, इसीलिए घूमते सब दुनिया वाले, इसीलिए घूमते। अच्छा दिल से बताना, भजन में आनंद आ रहा है? अरे बाबा क्या, एक बात कही तो बुरा नहीं मानो, छोटा हूं मैं आपसे, बुरा नहीं मानना। देखो कई बार हम लोग जो भी कुछ बोलते हैं ना, माइक आ जाता है ना हाथ में, पागल हो जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं सब पीछे लग जाते हैं, भैया ने कहा भैया ने कहा। सही बात है, देखिए भैया हम भी आप ही की तरह इंसान है, गलती हमसे भी हो सकती है, हाँ हमसे भी हो सकती है गलती। और एक बात कह दूं, आपको ऐसा लगे बोले आपने, मैंने कलाकार जो भजन कर रहा है वो माने भजन कर रहा है, भगवान एक ही है, वो भगवान नहीं हो सकता। हाँ कीर्तन करके बाहर निकलेंगे लोग आगे पांव छूने लग जाएंगे, बोले बताओ है काहे, बोले विशाल भाई इसके सर पे हाथ रख दो, सच्ची बता रहा हूं मैं झूठ नहीं कहता, इसके सर पे हाथ रख दो इसकी शादी नहीं हो रही, और मैं क्या मेरी नहीं हो रही कहां से करूं। अरे यार रुक जा, अभी तो मैं शुरू किया है। प्रैक्टिकली बात है, एक बंदा और आया प्रदीप भैया सुनने वाले, बोला विशाल भाई आप इतना कीर्तन करते हो आपकी तो चलती होगी, मैं क्या पूरी चलती है पता, बोला मेरे केस चल रहा है कचहरी में निपटावा दो, मैं कहा तने राज की बात बताऊं, बोला क्या, मैं कहा मेरे दो चल रहे, मेरे नहीं निपट रहे तेरे कहां से निपटाऊं। भाई साहब आप जुड़ने तो इससे आते हो, माफी चाहता हूं जुड़ के हमसे चले जाते हैं, जुड़ के इससे हमारा काम आपको इससे जोड़ना, हम तो एक ब्रिज है और कुछ नहीं, लेकिन आप लोग हमसे जुड़ के ना ब्रिज पे झूलते रहते हो, वहां तक पहुंचते नहीं पहुंचते। एक बंदा मेरे से बोला विशाल भाई बाबा शाम का इतना नाम सुना है लेकिन मेरा काम नहीं बना, तो पता है हमारा काम अगर नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा? कारण आपने बड़े बड़े कीर्तन देखे होंगे बाबा के, बड़े बड़े कीर्तन, बाबा का दरबार लगाया एक झबर झुलाने के लिए खड़ा है वहां पे, एक बाबा एक झबर झुलाने वाला, एक जोत पे बैठने वाला, बाबा के पास तो सिर्फ दो ही बंदे हैं कीर्तन में, बाकी वो दूर सिंगर की स्टेज लगी है, सारे जने सिंगर के आले द्वाले चक्कर बना के बैठे, वाले क्या बात है, बाबा का तो देख ही नहीं रहे। भाई साहब नजरें उधर होनी चाहिए, कान इधर होना चाहिए, फिर कीर्तन होता है, है? और एक बात समझ लीजिए, मैं हर कलाकार का सम्मान करता हूं, हर कलाकार का, कोई 1.5 लाख ले तो कोई 3 लाख भी मांगे ना वो उसकी कलाकारी का मूल्य है, वो प्रोफेशनल है वो 3 लाख मांग रहा है, लेकिन आप उस कलाकार को भगवान मत बनाइए, उसको भी रोटी वही देता है, मुझे भी रोटी वही देता है, आपको भी वही देगा, मैं नहीं दूंगा या वो कलाकार नहीं देगा रोटी आपको, वही देगा रोटी है? मैं हम नहीं दे सकते हा? और आप किसी को फोन करो, भाई साहब फलानी रेट का कीर्तन है, भैया ठीक है हो जाएगा सेवा,
बोले 2 लाख रुपए। बोले भैया बाबा का कीर्तन है कुछ कम कर लो। बोले कीर्तन का तो बता रहा हूँ, कीर्तन का तो बता। बोले एक काम करो ना, 1.70 ले लो 1.70 ले लो। बोले भाई साहब 2 लाख माने 2 लाख। अगले दिन फिर फोन किया, बोले भाई साहब चलो 1.75 ले लो। बोले भाई साहब 1.95 उससे 1 पैसा कम नहीं, उससे 1 पैसा कम नहीं। एक बात बताओ, जो 5,000 के पीछे बाबा का 3 लोग के मालिक का कीर्तन छोड़ गया, वो कलाकार तो हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता, वो कलाकार है। चलिए जरा तालियां बजाते रहिए, आगे सुनाता हूं। 11 पर। अरे वाह 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 वाह, ये सारे अच्छे पक्के वाले, ये चौखानी के पक्के वाले हैं, इधर वाले हैं। हां सुनना, हर महीने आते हो ना, क्यों सुनना, 11 की मस्ती ना हम भूलते हैं, 11 की मस्ती ना हम भूलते, 11 की मस्ती ना हम भूलते हैं, 11 की निशान, लाखों निशान लाखों उस दिन झूलते हैं, लाखों निशान उस दिन झूलते हैं, अरे लाखों निशान उस दिन झूलते हैं, लाखों अगर कोई हर महीने नहीं आता उसे अभी नशा नहीं लगा, अगर कोई हर महीने नहीं आता ना उसे अभी नशा नहीं लगा, नशा पता कैसे लगेगा, एक बार निशान तू भी उठा ले, रिंगस से निशान तू भी उठा ले, रिंगस से निशान उठा ले। फिर देख तुझको ये कैसे संभाले, फिर देख और आखिरी अंतरा बचा, एक बार सीधे हाथ उठा लेना अगर वाकई में आनंद आया हो, वाकई में पहली बार हाजिरी लगाने आया हूं मैं यहां पर, दोनों हाथ उठाकर 1 2 रेडी 1 2। आपने आज गा दी ना बाबा को सुना दी, एक पल के लिए शायद आप बाबा का हाथ छोड़ भी दो, लेकिन अगर ये लाइनें बाबा ने आज आपकी सुन ली ना, आप बेशक छोड़ देना, बाबा आपको नहीं छोड़ेगा, ताऊ ये लाइनें अगर सुन ली, सुनना बाबा, छूटे चाहे सांस पर ग्यारस ना छूटे, छूटे चाहे को सुनो एक बार, छूटे चाहे सांस पर, खाटू वाले तेरा मेरा रिश्ता ना टूटे, खाटू वाले तेरा मेरा रिश्ता ना टूटे, खाटू वाले मेरा बाबा जाते और केजू जाते क्या तेरे बिना शैली को कौन संभाले, तेरे
बिना शैली को कौन संभाले, तेरे बिना शैली को मेरी हर सांस बाबा तेरे हवा, मेरी हर सांस बाबा तेरे हवाले। बस जाते जाते मैं मजिशन मत बजाना बेशक, क्योंकि मैं समय का बड़ा आदर करता हूं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन बस एक ही बात कहूंगा, श्याम बाबा आना कभी खाटू छोड़ के। हाय भाई साहब, आप 10 एकादशी आ जाओ, 20 आ जाओ, 40 आ जाओ, आप आते रहो, वो बड़ी बात नहीं, दुनिया आ रही है, बात उस दिन बड़ी होगी जिस दिन आप ना आ पाओ, बाबा आ जाए आपके पास, मेरा प्रेमी नहीं आया, बात उस दिन बनेगी। शाम, ये भजन बहुत पहले रिकॉर्ड करवाया था, बड़ा समय, इसका वीडियो भी निकालेंगे। शाम बाबा आना कभी खाटू छोड़, हाय लीले पे चढ़ के बाबा तुम चले, लीले पे चढ़ के बाबा तुम चले, मोरी छड़ी लाना कहीं भूल न जाना, श्याम बाबा आना कभी खाटू छोड़ के। हाय प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, हो सकता है मुझ में कोई कमी हो बाबा ना आए, हो सकता है आप में किसी में कोई कमी हो बाबा नहीं आए, इतने भक्त बैठे हैं, समय देखो 4 बजने वाले हैं, किसी के लिए तो आएगा, और एक के लिए भी आ गया तो सबके काम बना कर जाएगा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, प्यार झूठा सही दिखा, ओए बाबा सुन, तू किसी और, ये देख कितना पागल हो रहा है तेरे लिए बाबा, है है कितना पागल हो रहा है, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा, तू किसी, इजाजत दीजिए, शुक्रिया धन्यवाद, बाबा खूब कृपा करे आपके ऊपर जी, बाबा श्याम आप पर बहुत कृपा बनाए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और खूब मस्ती से बाबा के चरणों में, मेला आ रहा है, पूरी तैयारी के साथ आइएगा, थोड़ी बहुत बाबा परीक्षा भी लेगा उस दिन आपकी, लेकिन हारना नहीं, और पूरी हिम्मत के साथ अपने बच्चों का ध्यान रखकर आप मेले के दर्शन करेंगे। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए श्याम प्यारे की, प्रदीप आप बहुत बहुत धन्यवाद।